दोस्तों, आपके मन में ये जानने की जिज्ञासा तो जरूर होती होगी कि जो यूनिवर्स हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करता है, आखिर उसका सेंटर कहाँ होगा। आज के वीडियो में आप सेंटर ऑफ यूनिवर्स के बारे में काफी कुछ जान जाएंगे। मैं हूँ आपका दोस्त शून्यम, और एक बार फिर आपका ज्ञान और विज्ञान चैनल में स्वागत है। यदि आपने अभी तक ज्ञान और विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और घंटी के आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी वस्तु का सेंटर पॉइंट तभी एग्जिस्ट करता है जब वह बिंदु पूरी वस्तु के संबंध में किसी तरह से विशेष होता है। मैं आपको एक एक करके उन सभी विभिन्न प्रकार के क्राइटेरिया और प्रभावों के बारे में बताऊंगा जो किसी वस्तु का सेंटर पॉइंट पता करने के लिए आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन की। दोस्तों, जब कोई वस्तु अपनी धुरी पर घूमती है अर्थात रोटेट करती है, तो हम उसका सेंटर निर्धारित कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट घूमती हुई वस्तु का वह स्थान है जो स्थिर रहता है। उदाहरण के लिए, हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है और इसका सेंटर ऑफ रोटेशन साउथ और नॉर्थ पोल को जोड़ने वाली एक्सिस के ठीक बीच में होता है, जो कि स्थिर रहता है। इसी प्रकार, यदि आप बास्केटबॉल को अपनी उंगली पर घुमाते हैं तो जिस पॉइंट पर बास्केटबॉल उंगली को टच करती है वो रोटेशन का सेंटर पॉइंट बन जाता है। इसी प्रकार, यदि आप किसी साइकिल के पहियों को देखेंगे तो पहिए का एक्सल उसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहा जाएगा। अब बात करते हैं यूनिवर्स की। दोस्तों, यूनिवर्स में अलग अलग वस्तुएं रोटेट करती हैं, परंतु पूरा यूनिवर्स रोटेट नहीं करता। यही कारण है कि रोटेशन के आधार पर हम यूनिवर्स का सेंटर नहीं खोज सकते। दोस्तों, दूसरा क्राइटेरिया है सेंटर ऑफ मास। यदि हम किसी वस्तु का सेंटर ऑफ मास पता कर लें तो उसे उस वस्तु का सेंटर मान सकते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। सेंटर ऑफ मास वह बिंदु है जिसके चारों ओर सभी दिशाओं में समान मात्रा में द्रव्यमान फैला होता है। किसी वस्तु का सेंटर ऑफ मास आसानी से पता किया जा सकता है यदि द्रव्यमान समान रूप से न फैला हो, भले ही वस्तु अनंत दूरी तक क्यों न फैली हो। परंतु यूनिवर्स के केस में स्टार्स और प्लेनेट्स का औसत द्रव्यमान अनंत तक समान रूप से फैला होता है। यही कारण है कि यूनिवर्स का सेंटर ऑफ मास पता करने का कोई तरीका नहीं है। दोस्तों, अगला क्राइटेरिया है सेंटर ऑफ चार्ज। किसी वस्तु का सेंटर ऑफ चार्ज वह बिंदु होता है जिसके चारों तरफ चार्ज बराबर मात्रा में फैला हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी स्फीयर की सरफेस पर समान मात्रा में चार्ज फैला है, तो स्फीयर का सेंटर ही सेंटर ऑफ चार्ज भी होगा। सेंटर ऑफ मास की तरह ही ब्रह्मांड का औसत चार्ज भी अनंत तक और एक समान है। इसलिए यूनिवर्स में फैले हुए चार्ज का केंद्र पता करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। किसी भी कर्व सरफेस का सेंटर आसानी से पता किया जा सकता है, परंतु यूनिवर्स के संबंध में अभी तक जो भी प्रमाण मिले हैं उससे यही पता लगता है कि यूनिवर्स फ्लैट है, कर्व नहीं। इसीलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। दोस्तों, आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना होगा। इस थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स चारों तरफ फैलता जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सेंटर पॉइंट होगा जहां से यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन अभी तक के ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से ऐसा नहीं है। असल में यूनिवर्स सभी दिशाओं में समान रूप से फैल रहा है। यूनिवर्स में सभी बिंदु एक ही समय में सभी अन्य बिंदुओं से समान रूप से दूर होते जा रहे हैं। यदि आप इसे ठीक से सोचें तो समझ सकते हैं कि स्पेस में फैलने के कारण वस्तुएं सापेक्ष रूप से एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसका मतलब, यदि हम यूनिवर्स में किसी भी पॉइंट पर खड़े होकर देखेंगे तो हमें वस्तुएं अपने से दूर जाती हुई दिखेंगी। इसका मतलब यह है कि सेंटर ऑफ एक्सपेंशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। यदि हम ये जान सकें कि यूनिवर्स में अधिकतर वस्तुएं एक ही स्थान पर मौजूद हों, जैसे कि बहुत बड़ा ब्लैक होल या फिर कोई सुपर लार्ज नेब्यूला, तो भी हम यूनिवर्स का सेंटर पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं। परंतु अभी तक के ऑब्जर्वेशन से यही पता लगता है कि वस्तुएं यूनिवर्स में फैली हुई हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि यूनिवर्स का कोई सेंटर नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।